दोस्तों जो गावस्कर ने बयान दिया था कप्तान टिम पेन पर, उस पर रिएक्शन आया है कप्तान टिम पेन का। उन्होंने कहा है कि गावस्कर जो चाहे कह सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टेस्ट मैच में पहले मेजबान टीम की कप्तान टिम पेन ने कहा है कि दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर के किसी बयान से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कहा कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो उनके साथ बहस नहीं करेंगे। पेन ने ये बात गावस्कर के उस बयान के जवाब में कही जिसमें पूर्व क्रिकेटर ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घबराहट उनकी कप्तानी में दिख रही थी। गावस्कर ने कहा कि पिछले टेस्ट में पेन घबराए हुए थे और इसका असर उनके द्वारा गेंदबाजी में बदलाव और फील्डिंग में दिख रहा था। पेन ने कहा, मैं सुनील गावस्कर के साथ इस चीज में नहीं पड़ने वाला हूं, वो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। गावस्कर जो चाहे वो कह सकते हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। एक कप्तान का क्रिकेट के अलावा कुछ और चीजों पर बात करना सही नहीं है। जब आप कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं तो ये बताता है कि आप घबराए हुए हैं, ये बताता है कि आप विपक्षी टीम द्वारा दी जा रही प्रतिस्पर्धा को संभाल नहीं पा रहे हो। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि आखिर में भारत मैच बचाने में कामयाब रहा। अश्विन पेन पर हावी रहे, मैं ऑस्ट्रेलिया चयनकर्ता नहीं हूं, लेकिन कप्तान के तौर पर उनके दिन गिने चुने हैं। तो ऐसे में टिम पेन ने उनके बयान पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि गावस्कर जो चाहे कह सकते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही वो इस मामले में कुछ ज़्यादा बोलेंगे। दोस्तों इस पर आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप सुनील गावस्कर के भी फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।